मैं कह रही हूँ प्यार से मान रही हूँ कि दो लाफे कान के नीचे दो। कमला नाबालिग है दोस्तों, कमला भी नाबालिग है और जो लड़का कमर मटकती भी देखना चाहता है वो भी नाबालिग है। भगवान तेरे को वो देंगे फल, फल नहीं स्वर्ग। मरना भी तो है, जीते जी सब कुछ चाहिए तुझे, मरने के बाद भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो 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 चलो। Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Good morning. आज मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हो तुम, क्योंकि आज मैं खुद ही, किसी ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, किसी ने कोई हिंसा नहीं कर रही है, किसी ने मेरे मम्मी और पापा के लिए यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि वही दोनों सुबह सुबह हिंसा करते हैं मेरे साथ ऐसे, उठ जा नलायक नल्ली, और क्या उम्र देख अपनी, लोग बच्चे कहाँ पहुंच गए, तू कहाँ है, लोग बच्चे तो हाइट भी बड़ी मेरी नहीं बड़ी, मैंने कुछ बोला आप लोगों से, क्योंकि आपकी छोटी है इसलिए मेरी छोटी हाइट है। हाँ, और ओके मम्मी पापा लंबे हैं, आप दोनों छोटे हो, मैंने आपसे कुछ बोला, फिर पर्सनल मत जाया करो। चलो ठीक है, नो पर्सनल कमेंट्स, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। घर वाले बहुत प्यार से मुंह लगा रहे हैं आज, क्योंकि मैं टाइम से उठ गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने अपनी इज्जत जल्दी उठ के पाई है वो इज्जत बनी रहे, बरकरार रहे, इसलिए फटाफट से चलते हैं घर का काम करते हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। डेली है ना सुबह उठ के मैं पीती हूँ सबसे पहले अपना ये जीरा वाटर, कहा जाता है इसे पीने से लोगों का वजन कम हो रहा है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारे घर का तो भैया जीरा ही खत्म हो रहा है, वजन तो हमारा नहीं कम हो रहा है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये कौन सा वो है तरीका है सोफे में बैठने का? हाँ ये सही बोला मम्मी ने, बर्तन मार। चल ये जो मम्मी बीच में आके तुमने चार चांद लगा दिए ना मेरी क्लिप में, हाँ मजा आ गया, बस अब चांद इसी पे लगाना सारे, मेरी तरफ मत आना। चलो 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 चलो, चिंता नहीं करना, बर्तन धोते धोते जाओ। ये तुम्हारे साथ वो हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर है दुरुस्त है। चलो अब निकल लो यहाँ से, चलो। मेचे खूनी की बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगी, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगी। अब मैं ससुराल चले जाऊंगी ना, जब तो मुझे याद करेगी, पर मैं भी करंट वाली तार लगा दूंगी अपने घर के बाहर, तू जैसे दूर दूर तक ना दिखे, और तेरे को आती ऐसा करंट लगेगा अगली बार तुम मुझसे मिलने की फिर ना कभी फरियाद करोगी। बेटा याद तो तू मुझे बहुत करेगी। अरे कौन सा तेरी कली शादी हो रही है? मैं तो करने के लिए आज ही कर लूं। हो नहीं पा रही है। ए मम्मी को देख, हंसी देख, चेहरे पे स्माइल देख। ये सोच रही है इसका बेड़ा गर्क हो तो मैं भी चार जोड़ी नए कपड़े पहनूं। मत चला भाई मत चला, अच्छा झाड़ू पोछा लगा ले, पापा लेकर आएंगे डंडा। भाई इसने स्पीकर में गाने बजा दिए, निर्मला वाला वो भी। मैं तो जा रहा, मम्मी मारेगी तो तू पिटेगी, मैं तो सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, अकेली नाच रही थी। एक बार कमला की उम्र में गौर फरमाया जाए, ये है कमला नाबालिग है दोस्तों, कमला भी नाबालिग है और जो लड़का कमर मटकती भी देखना चाहता है वो भी नाबालिग है। कैसे गंदे गाने सुन रही हो, छीछी मैंने तो ठुमके भी मार दिए। चुप रहे राम लड्डू वाले अंकल आ गए गाइस, अभी मेरी छोटी बहन भी सो रही है, ये सही समय है राम लड्डू खरीदने का। चलो अंकल आप वजन नहीं घटने दोगे, अब वीडियो हाँ। मिर्ची डाल लूं? हाँ, नहीं मिर्ची नहीं डालनी, बस लड्डू लड्डू। खूबसूरती देख रहे हो राम लड्डू की, वाह वाह वाह, चार चांद लगा दिए धूप ने इनकी खूबसूरती में। सोने पे सुहागा तो मेरे लिए ये हुआ है कि आज सोई भी है, जो सोवत है वो खोवत है, वो बेचारी सोई भी है और यहाँ राम लड्डू इंतजार कर रहे हैं मेरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ना सोते सोते भी मुझे मनी मन गाली दे रही है, क्योंकि इन अंकल के राम लड्डू हम पिछले 2 सालों से खा रहे हैं, इतनी मिर्ची इनकी अंकल की चटनी में आज तक नहीं थी जितनी मिर्ची मेरे को आज लग रही है, पर मैं पूरा ही लपेटूंगी। आहा मजा आ रहा है, आनंद। ये क्या उलूल जुलूल कपड़े पहन के गई थी कॉलेज? उलूल जुलूल क्या? ये वाला, ये उलूल। पता है इंसान अपने कपड़ों से अच्छा नहीं लगता, इंसान अपने कर्मों से अच्छा लगता है। मेरे बहुत अच्छे हैं। तू एक काम कर, तू बड़ी बहन की आज्ञा का पालन कर, भगवान तेरे को वो देंगे फल, फल नहीं स्वर्ग। मरना भी तो है, जिंदा जी, जीते जी सब कुछ चाहिए तुझे, मरने के बाद भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? जीते जी कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद क्या मिलेगा फिर? जीते जी तो तेरे को माँ बाप ने बिना पूछे जन्म दे दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब इससे ज्यादा तू जीते जी और क्या चाहती है? अब तू मरने की बात का सोच,
मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा अगर तुम बड़ी बहन की बात मानोगी। चलो ये बिस्तर रजाई मैंने तय लगा रखी है, जरा इनको अलमारी में रखो। मैं दोबारा सो रही हूँ। मैं कह रही हूँ प्यार से मान रही हूँ कि दो लाफे कान के नीचे दो। बताऊँ तेरे को मैं अभी? क्या बताएगी, क्या बताएगी? तंग मत कर, कैमरा ऑन करके देखो भैया देखो, इसने झाड़ू पोछा भी नहीं किया। ये तो तू ही कर रही थी। आज तेरी बहन ने 14 वीडियो एडिट करी है। क्या बात कर रही है? क्या नल्ली, तू थोड़ी करती है, एडिट तो मैं ही करता हूँ। हाँ तो ठीक है ना। क्या बात कर रही है, तो ऐसे बोल रही है जैसे पहली बार मैंने कुछ अच्छा किया हो। मैं तेरी आँखों में उदास। मम्मी ने आज इतने टेस्टी वड़े बनाए हैं ना है? हाँ मेरे को खाने ही नहीं दिए, 4 दिए। बोल रही तू तो डाइटिंग पे भूल गई। मैंने कहा वो तो याद है पर बड़ा तो खा सकते हैं। तू भी आज से डाइटिंग पे? क्यों? इतने महीने की डाइटिंग करेगी? एक महीने का तो व्रत रख लेते हैं लोग, एक महीने की डाइटिंग करेगी। तूने क्यों नहीं रखा? बड़ी बहन भी हाथ उठाती है। एकदम मत कर। हाँ हाँ अकल खोल दे। शराब दे रही हूँ, शराब दे रही हूँ। तो 100 साल जिए, करोड़पति बने। शराब की दोगी मेरी फैल है, वो भी सफेद बाल वालों में। इस उम्र में किसी की, इस उम्र में किसी की छोटी बहन के सफेद बाल हुए? मेरी इकलौती है, लाखों में एक सफेद बाल वाली। यार सच्ची में सफेद बाल है मेरे। इसने थूक लगाया मेरे हाथ पे। क्या लगाया? कुछ भी नहीं लगाया, बस चुम्मी दी थी। साफ किया मैंने बहन, गीली चुम्मी दी थी, कुछ नहीं लगाया था। जा हार्पिक से मुंह धो। हार्पिक से धोना पड़ेगा। जा जहर लगा दिया। झूठी कहीं की। हे गाइस गुड मॉर्निंग, ये है day 2 और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ रेडी होके अपने कॉलेज। प्राची मैम फिलहाल अभी आराम फरमा रही होंगी, तो आप सभी चलो मेरे साथ मेरे कॉलेज। यार इस डॉगी ने ना मेरे को बहुत परेशान कर रखा है, अभी उस साइड देख रहा है, इसलिए मैं चुपचाप से निकल लेती हूँ, नहीं तो आ जाता यार मेरे पीछे पीछे। तो फाइनली मैं कॉलेज आ गई थी, कॉलेज आके मैंने अपनी क्लास भी अटेंड कर ली। वैसे आज मैं अपने दूसरे कॉलेज आई हूँ, लैंग्वेज वाले कॉलेज, और अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने, क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आई थी, और यहाँ की कैंटीन में देखते हैं कुछ नया खाने को क्या मिलता है। चलो भाई, मुझे अपने दूसरे कॉलेज की कैंटीन वाली दीदी यहाँ पे भी मिल गई। और पुरानी वाली दीदी भी है ना? हाँ दोनों दीदी मुझे मिल गई अपने पुराने कॉलेज की। पुराने कॉलेज से ऐसी बोल रही हूँ, कब से पास आउट होंगी। बढ़िया मुझे ना क्या स्वामी एक बार दूध बढ़िया। यान गई हमारी ब्रू की कॉफी। मोमोज भी मिलता है यहाँ? ओ क्या बात है, और यहाँ पे मोमोज भी मिलता है। हाँ हम ज्यादा ही सुबह आ गए ना। पास्ता मैगी भी बढ़िया है, सब रेडी है। ये आ गए हमारे लजीज चिली पोटैटो, फोन डालो। ओ माँ कितना गर्म है, मेरा हाथ चला रहा है। हाँ आपको भी बनाओ, से हाय भैया। हाय भैया कह रहे मेरा भी वीडियो बनाओ। चलो आज सृष्टि और मैं ऐसे ओपन में एंजॉय करेंगे। ओए वो देख हमारी चिली पोटैटो भाग। ओ यार ओ चिड़िया ने हमारी चिली पोटैटो खा ली है भाई साहब, खतरनाक सीन हो गया हमारे साथ भाई। हम 2 मिनट के लिए कॉफी लेने गए नहीं, चिड़िया ने हमारी चिली पोटैटो खा के भाग गई। कोई बात नहीं, होता है होता है, चिड़िया को भी थोड़ा जिंदगी में दुख कम थे, एक चेयर ने और दे दिया। बताओ गीली हो रही थी, अब कैसे करे, अब कॉपी से जुगाड़ करना पड़ेगा। नाइस सृष्टि, नाइस, वेरी गुड। यार ये तो साफ भी नहीं होगा, इसीलिए तेरे को तेरी मम्मी ने कॉलेज भेजा था, दोस्त के साथ जाके सीटें साफ करेगी। क्या देखे, कोई बात नहीं, ऐसी बैठ जाते हैं गीले में, जो हरकतें उसने कर दी। भाई बिल्कुल हॉस्टल वाली फील आ रही है। आज मम्मी ने डिनर में दिया है मेरे को ये मटर वाले चावल, मटर वाला भरता, दिन वाली दाल और रोटी। चलिए पापा के साथ बैठ के डिनर करेंगे। गाइस खाने के बाद और भूख लग गई, तो मैंने अभी अभी ना अपने लिए रेड सॉस पास्ता लिया है। भाई ये इतना डिलीशियस है ना कि क्या ही बताऊँ। ये वीडियो मैं तुम्हें बताने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए बना रही हूँ। तो जलते चेहरे कुछ इस प्रकार के दिखते हैं दोस्तों, ये देखो ऐसे होते हैं। हाँ